प्रोग्राम लेट्स टॉक में अंजुम रिज़वी ख़वातीन हज़रात लाइव आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम पेश करता हूँ। बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी बातें होती हैं इसमें करने के लिए। मुख्तलिफ़ मीडिया के चैनल्स पे और अखबारात में इस वक्त आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ मौजूआत हैं। लोकल बॉडी इलेक्शंस जो हैं वो किसी दिन भी हो सकते हैं, सब कॉल इन हो गया है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आज के अखबारात में टॉप हेडलाइन थी। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत इत्तला'आत के हवाले से कुछ रिमार्क्स दिए हैं मौसिस जजों ने, फाजिल जजों ने, जिसमें ये भी है कि ये सीक्रेट फंड्स जो है, एक तो ये कि फ़िलहाल रोक दिए जाए, मगर ये सीक्रेट फंड्स क्यों होते हैं, इनका क्या जवाब है। और फिर एक मौसिस फाजिल जज ने तो ये भी कहा कि वजारत इत्तला'आत का जवाब क्या है एक आज़ाद मुल्क में, ये तो कलोनियल पावर्स की एक निशानी होती थी, क्योंकि किसी भी इस दुनिया के महज़ मुल्क में वजारत इत्तला'आत नहीं होती है। बहुत सारे सवाल और बहुत सारे मसाइल, पेट्रोल, लोड शेडिंग, बलूचिस्तान का मसला, इस सब पे आज बात करते हैं। स्टूडियो में दो मौजूद शख्सियात को मैंने बुलाया हुआ है, उनसे आपका पहले तारुफ करा दूँ। पहले मेहमान हैं, मायर नाम पर तजियाकार हैं इंजीनियर एम ए जब्बार साहब, और मेरे दूसरे मेहमान हैं ख़वातीन असरात रिटायर्ड DIG जनाब सी के चाचर साहब, मायनास तजियाकार, और बलूचिस्तान में चाचर साहब का बहुत काम है। पुलिस सर्विसेज में जब ये थे तो उनकी ज़्यादातर पोस्टिंग्स बलूचिस्तान में भी हुई, तो कोशिश ये करेंगे कि बलूचिस्तान की सूरत हाल को एक एक ग्रास रूट लेवल पर या ग्राउंड लेवल पर या ग्राउंड रियलिटी के तौर पर भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो भी इत्तला'आत आती हैं वो वहाँ से बिल्कुल इतनी ऑथेंटिक तो नहीं आती हैं। उसमें कुछ ओपिनियंस भी होते हैं, कुछ लोगों की राय भी होती है, कुछ ख्वाहिशें भी होती हैं, तो लिहाजा इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ये प्रोग्राम रात के 10 बजे तक आपके खिदमत में पेश करूँगा। इंजीनियर अहमद जब्बार साहब, शुरू आपसे करता हूँ, वजारत इत्तला'आत का जवाब क्या होता है? आजकल दुनिया के किसी भी महज़ब मुल्क में, UK में, मैंने इतने साल वहाँ जर्नलिज्म किया, अमरीका, कहीं भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता। ये तो कॉलोनियल गुलामी के दिनों की यादगार होती थी कि जब मास्टर्स जो होते थे वो जब रूल करते थे एक मेजॉरिटी पे, तो वो इन्फॉर्मेशन पे, हर चीज़ पे कंट्रोल रखते थे। तो मेरा ख्याल है कि ये सवाल तो बहुत दुरुस्त समत में पूछा गया है कि इसका जवाब क्या है, खुसूसन ये सीक्रेट फंड्स ही कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं और किस पर्पस के लिए जाते हैं। देखिए, मेरे अपने ख्याल में पहले तो हम एक गवर्नेंस के सिस्टम को समझने की कोशिश करें और इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में किस तरह चलते रहे हैं और किस तरह चलते हैं। मेरा ख्याल है कि हुकूमत पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो सीक्रेट फंड, जिसको मुल्क के अंदरूनी हालात की दुरुस्ती के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है और हो रहा है, वो है इंटेलिजेंस ब्यूरो में। अगर हम दूसरी तरफ आएँ, अगर इंटर सर्विसेज की बात करें और उन एजेंसियों की बात करें जो फ़ौज के साथ मुंसलिक हैं, तो वहाँ पे भी इस किस्म के ज़राए जो है इस्तेमाल करते वक्त उसको भी इसी तरीके से उसकी तशरी की जाती है कि ये मुल्क के मुफाद आमा में इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से या एक्सटर्नल, जी एक्सटर्नल के हवाले से। अब हम थोड़ी देर के लिए, मैं वजारत इत्तला'आत में आने से पहले थोड़ा सा चाहता हूँ कि ज़रा हम देखें कि दूसरी जगहों पर क्या होता है। इस तरह अगर आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर के पास डिस्क्रिशनरी ग्रांट होती हैं, चीफ मिनिस्टर के पास होती हैं, इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के इदारों में मुख्तलिफ़ हेड्स के पास होती हैं, कुछ बजटरी अलोकेशंस जो हैं वो आपको सामने नज़र आती हैं और कुछ बजटरी अलोकेशंस जो हैं उसमें इतनी ज़्यादा तौजीहात नहीं होती हैं जिसको हम कहेंगे स्पेसिफिक हेड, जिसकी आपने निशानदेही की। हम थोड़ी देर के लिए अगर हम ये कहें कि अगर वजारत इत्तला'आत के लिए एक ब्लॉक अलोकेशंस है, तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में उस ब्लॉक अलोकेशंस की क्रॉस बॉर्डरिंग मुख्तलिफ़ रीजंस के बुनियादों पे हो सकती है। आया उसके ऊपर कोई पाबंदी है या नहीं है, तो फिर देखना पड़ेगा कि प्रोसीजर और रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ एक्सपेंडिचर्स उस मिनिस्ट्री के हवाले से क्या कहा जाता है। अब हम आते हैं आपके सवाल की तरफ, आपका ये सवाल कि उसको क्या ज़रूरत है। मेरे अपने ख्याल में कि अगर ये सवाल किया जाए तो कहीं पर भी किसी को किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है और हर जगह पे हर किस्म की चीज़ की भी ज़रूरत है, प्रोवाइडेड अगर रीजंस एग्जिस्ट कि ये पैसे खर्च किए जाएंगे दो जगहों पे, टू पिलर्स ऑफ रिक्वायरमेंट इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात में, किसी से आपने बाय करना है, सेल करना है कुछ इत्तला'आत, एक्सटर्नल हमारे पास थ्रेट्स हैं उस सिलसिले में अगर हमने कुछ करना है। मेरा ख्याल है बहुत जल्दी से मैं ये बात भी कहूँगा कि इवन पुलिस में भी सीक्रेट फंड्स होते हैं, जिसमें बहुत ऊपर नहीं बल्कि मैं कहता हूँ DIG लेवल का आदमी जो है उसको रिटेन करता है, अगर नहीं करता है तो वो IG से बारो कर लेता है, तो वहाँ पे भी इस किस्म की एंट्रीज होती हैं।
वापस आ जाए हम कस्टम सर्विसेज में, तो वहाँ पे भी सीक्रेट फंड्स होते हैं इन फार्मर्स को देने के लिए, सर्व एक्स वाई जेड नाम लिखा जाता है, बेतहाशा किस्म के इस किस्म के फंड्स हर जगह अवेलेबल हैं। यानी किसी न किसी मैंने इसको होते हैं जो जो कंट्री के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई चीज हो वहाँ वो इस्तेमाल होते हैं। अब वजारत इत्तलात में दोबारा चार्टर साहब को भी असल में जरा गुफ्तगू में शरीक करना चाह रहा था, अभी इजाजत दे। तो चार्टर साहब, जब दूसरी जंग अजीम खत्म हुई, फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी जिसने जनरल रोमेल को नॉर्थ अफ्रीका में शिकस्त दी थी टैंकों की और बहुत बड़ी जो कि डेजर्ट रेड कहलाता था, तो उस वक्त बरतानिया पे जर्मन बमबारी बहुत कर रहे थे, तो सरे में फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी का घर था, वो भी बमबारी से मुतासर हुआ था। इंग्लिस्तान के बादशाह के पास एक स्पेशल प्रीवी पर्स होता है, डिस्क्रिशनरी फंड्स जैसे कि बात की है, उसमें वो किसी भी शहरी को जिसने कोई आउटस्टैंडिंग खिदमत की होती हैं उसको वो फंड एलोकेट कर देता है। तो फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी ने अपने पूरी जंगी कारनामे गिनाए थे और ये बताया था, मैंने इतना बड़ा मार्का सर किया वहाँ एलमीन का, और मैं फील्ड मार्शल बन के मुझे डेकोरेट भी किया, सब किया, मगर मेरा घर जो है यहाँ तबाह हो गया, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसको रिकन्स्ट्रक्ट करूँ, तो इन खिदमात के अवज़ में मुझे वो स्पेशल डिस्क्रिशनरी फंड में से कुछ पैसे दिए जाए। तो जवाब में बादशाह ने ये लिखा था कि जो आपने काम किया वो तो एक जर्नैल से एक्सपेक्टेड था, किंग्स कमीशन के जनरल से, कि वो यही तो करेगा अपनी कंट्री के लिए, आउटस्टैंडिंग काम करेगा, ये तो आपने अपनी ड्यूटी पूरी की है, ये फंड जो है वो किसी ऐसे के लिए जो आउटस्टैंडिंग करेगा। तो जैसे कुत्ते का इलाज उस ज़माने में जो वैक्सीन दरियाफ्त की थी जॉन लोगे पे, उसको दे दिया उन्होंने वो जो वो डिस्क्रिशनरी फंड में से पैसे वैसे। मेरा मतलब है कि डिस्क्रिशनरी फंड में तो ऐसा क्या काम करते हैं आउटस्टैंडिंग कि जिसकी वजह से इन फंड्स को यूज़ करना पड़ता है। सूरत हाल तो हमारे आपके सबके सामने है कि कितनी दिगर को है, क्या कहेंगे? आपने सही फरमाया, मगर बात यह है कि मॉन्टगोमरी की मिसाल जो है वो उस लिहाज से तो ठीक है, अगर हम उसको कंपेयर करें अपने माशरे से, तो वो ये है कि वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम उस वक्त भी था, अभी भी है, अभी कुछ ज़्यादा है, उस वक्त कम था, तो वो ठीक है, वहाँ अगर नहीं भी है तो चलो ही कैन पुल ऑन। नहीं, सोशल सिक्योरिटी हमारे यहाँ तो में आया है ना बरतानिया में, मगर फिर भी वहाँ उनके लिए कोई सहूलियात, कुछ प्रिविलेज ये वो, हमारे यहाँ कोई प्रिविलेज नहीं है। अभी एक बंदा गवर्नमेंट सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, उसने नौकरी की, अपनी लाइफ पूरी दे दी तनख्वाह पे, अगर आप रहें तो एक तो ये है कि अभी बड़ी अजीब बात है, अजीब लगता है कि अब तो तनख्वाह कोई पूछता ही नहीं है, हमारे यहाँ इतना करप्शन या ये हो चुका है, रिवाज पकड़ गए हमारे माशरे में कि हमारे सर्विस सिस्टम में कोई तनख्वाह नहीं पूछता है। दो चार बंदों को मैं जानता हूँ जिन्होंने CSS किया, बाहर रह रहे थे लंदन में या अमेरिका में, वहाँ पढ़ रहे थे किसी तरीके से, उन्होंने वहीं से CSS किया और क्वालिफाई कर लिया, मगर जब देखा कि तनख्वाह क्या मिलेगी तो वो इवेंट बैक, ये सोचते हुए कि भाई इस तनख्वाह में तो मेरा गुजारा नहीं होगा, लिहाजा आई एम गोइंग बैक। तो हमारे यहाँ तो ये है ही नहीं, ये तसव्वुर नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी है या जिनकी तरबियत ये है, जो हलाल और हराम की तमीज़ रखते हैं, वजारत इत्तला जायज़ या नाजायज़ का फ़र्क रखते हैं, तो वहाँ पर तो फिर वो लोग सोचते हैं कि भाई ठीक है अभी मेरा गुजारा होगा या नहीं होगा, और नहीं होगा तो एक सर्विस का अपना खिदमत खल्क है, पब्लिक सर्विस है, उसकी वजह से भी लोग रह जाते हैं, मगर वो अपनी तनख्वाह पे गुजारा करते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। चलिए, मगर हमारे माशरे में अब आइए इस बात पे कि जवाज है या नहीं है, मगर है, अभी अभी तो है ना, वजारत तो कायम है। हाँ, नहीं मतलब जवाज है, वजारत तो कायम है। अच्छा, अब ये जवाज की बात तो नहीं है, मगर बात आ रही है फंड्स की, जैसे कि सीक्रेट फंड्स जो दिए जाते हैं, खरीदा जाता है, सीक्रेट फंड्स। अब हम तो रहे हैं, हमें पता है सीक्रेट फंड्स की बड़ी अच्छा जरूरत पड़ती है। अच्छा, अगर आप काम करना चाह रहे हैं कोई नेशनल इंटरेस्ट में या मुल्की मफाद में, चाहे जैसे भाई ने बोला कि जी इंटरनल है और एक्सटर्नल जो एजेंसियाँ हैं वो काम करती हैं, चाहे इवन अप टू स्पेशल ब्रांच पुलिस भी, पुलिस तो सिर्फ क्राइम फाइटिंग नहीं है, उसके अलावा भी पुलिस का ये काम है कि वो नज़र रखे, ठीक है, पूरे अपने मुल्क हालात पे और मुल्क मफाद के, तो आपको कहीं ना कहीं पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप अपनी तनख्वाह से तो दे नहीं सकते, और जो बजट होता है हर महकमे का, वजारत इत्तला हो या एजेंसीज का हो या पुलिस का हो, वो तो बजट तो महदूद होता है कि ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, उसे तजावुज़ नहीं कर सकते। हाँ, इतना हो सकता है कि उधर से निकाल के उसमें डालें, मगर कहीं ऐसे कामों में जहाँ कहीं आपने इंफॉर्मेशन परचेज करनी है, पेनिट्रेट करना है, कहीं किसी जगह पर अपने बंदे छोड़ने हैं, तो पैसा तो चाहिए ना,
किसी को परचेज करना है, पूरा पूरा सिस्टम जो है अभी थोड़ा सा है डिस्क्रिप्शन पर। अब ये सिर्फ बात ये है, जब मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी वो कुछ गड़बड़ है या कैसे, हाँ वो छानबीन की जा सकती है कि जी ये सही इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कोई इसमें बेमानी तो नहीं है। अगर बेमानी नहीं है तो फंड्स तो होते हैं और इसमें मुल्क की मफाद और पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम किया जाता है। चलिए जबर साहब, अब थोड़ा सा आ जाते हैं वही हमारा बड़ा सुलगता हुआ मौजूद, आपके साथ भी कई मरतबा प्रोग्राम हो चुके हैं, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान क्या हो रहा है वहाँ पे, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमें नहीं आती हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है, चाचर साहब ने वहाँ सर्व भी किया है, लेकिन देखिए हर मसले का एक सियासी हल तो होता है। बिलाखिर माजी में भी देखा गया है कि जितना ही मिलिटेंसी क्यों ना आ जाए, जितने ही आप जंग क्यों ना कर लें, आखिर में नेगोशिएशन टेबल पे बैठना ही पड़ता है। आप समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट जो है सीरियस है वाकई बलूचिस्तान के मसाइल को हल करने में? देखें, बलूचिस्तान के मसाइल के बारे में आज जो कुछ कहा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा एक सानिया था, अलमिया था, और गलती थी कि नवाब मोहम्मद अकबर खान बुगटी को मारा गया। नवाब मोहम्मद खान बुगटी के मर जाने के बाद, या मैं कहूँगा कि एक डे लाइट मर्डर था, जो कुछ था, आप देखें कि बलूचिस्तान में जो चीज़ें चल रही थी उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत भी आई, और आज हम देख रहे हैं कि उसमें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही जो है वो शिद्दत आ गई है, कि शायद ऐसा लगता है कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से अगर हम एक यूनाइटेड नेशन के डिक्लेरेशन को देखें तो मुझे तो ये लगता है कि अगर ये कराची की तरह पढ़े लिखे लोग होते और अपना केस कहीं पेश करते तो आज शायद यूनाइटेड नेशन इस सारे मामले में आती, क्योंकि इंटरवेंशन हो जाती, इंटरवेंशन हो जाती। अब थोड़ी देर के लिए हम आए कि चीफ जस्टिस साहब ये फरमा रहे हैं, मगर उस जमाने में जब ये कुछ हो रहा था उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने क्या किया, ये क्वेश्चन बनता है। आप देखें कि चीज़ें ख़राब होने के बाद तो चीफ जस्टिस साहब को भी अभी ख्याल आ गया है, मगर उस अप्रोप्रिएट मोमेंट पे, जिसको ये पुलिस अफसर है, मेरा ख्याल ही विल एग्री विथ मी के प्रिवेंशन जो है वो अगर मेजर एक्ट पुलिस के काम करने में कमीशन नहीं होगा तो हालात जो है जिस वक्त ख़राब होते हैं पुलिस वाले भी ज़्यादा कोई उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकते हैं। इट इज़ द प्रिवेंशन व्हिच यू सी शुड रिजल्ट इन सॉर्ट ऑफ अवॉइडिंग अ वेरी एडवर्स सिचुएशन। बलूचिस्तान के मामला ऐसे ही हैं, न पॉलिटिकली उसको हैंडल किया गया, न मेरे अपने ख्याल में कि उस ज़रूरत के तहत कि आखिर वो क्या वजह थी कि अकबर खान बुगटी के साथ डायरेक्ट जो है एक क्लैश किया, जिसके लिए वो डिक्टेटर जो आज लंदन में और कहीं पे गोल्फ खेलने जाता है, अगर अगर आब हवा अच्छी होती है तो चला आता है दुबई में, अगर ख़राब होती है तो लंदन में जाके बैठता है। उसका इंटरव्यू है कि जी अब हालात हैं कि मैं गोल्फ जाके खेलूं। उस ज़माने में उस आदमी ने जिस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल किया उसका स्पिल ओवर आज हमारे सामने है, मगर उस वक़्त यही लोग जो आज कहते हैं कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई, ये लोग कहाँ थे, दे हैव ऑल्सो टू आंसर। मगर हम थोड़ा क्विकली आते हैं कि बलूचिस्तान के आप हालात देखें कि इस वक्त, अब जो इस वक्त जो कुछ हमारे सामने मटेरियल आ रहा है वो है सरकारी मटेरियल। सरकारी मटेरियल में कम से कम मैं समझता हूँ कि रियल मटेरियल 10 गुना ज़्यादा हो सकता है। सरकारी मटेरियल की बात क्या हो रही है कि इन 6 महीनों के अंदर स्टेटमेंट ऑफ होम डिपार्टमेंट ऑफ बलूचिस्तान बिफोर द चीफ जस्टिस के इस 6 महीनों के अंदर जो है वो रिलीजियस डिवाइड के बेसिस पे हज़ारा वालों को जिस तरीके से जो है वो स्केट किया गया है, उसका नंबर जो है वो बताते हैं 46, 6 महीनों की फिगर्स, और उससे कहीं ज़्यादा एक क्रिटिकली इंजर्ड लोग जिनकी पता नहीं आइंदा क्या लाइफ होगी, मेरे अपने ख्याल में कि वो अलग हैं। अब थोड़ी देर के लिए इन्हीं 6 महीनों की फिगर्स फिर वो बताते हैं कि 20 उल्मा, जिसको हम कहेंगे कि मजहबी तौर पे जाने पहचाने लोग, वो 23 इंसिडेंट्स में मारे गए, जज मारे गए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो ये भी होम डिपार्टमेंट की फिगर्स हैं कि 6 महीनों में जो है वो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी और FC के अलावा पुलिस के लोग जो है वो 81 से ज़्यादा मारे गए हैं और उससे कहीं ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। शायद ये भी मेरा ख्याल है कि ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात करें कि ये भी स्टेटमेंट आया है कि 486 लोगों की लाशें हमें मिली हैं, वही उस पर भी बात करने वाला था, 486 लोगों की ये बहुत बड़ा फिगर है लापता अफराद का। चाचर साहब, आप तो बलूचिस्तान में रहे हैं, ज़्यादातर पुलिस सर्विसेज का आपका टेन्योर वहाँ पे रहा है, ये